भी है अभिभावकों, यह स्टोरी मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि मेरे लिए, यह बसरते आपके लिए नहीं है, ये हमारे स्कूल के बच्चों के लिए है। लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसे पढ़ना और नहीं समझ पाते हैं। तो पढ़ना नहीं समझ पाते हैं, इसका मुख्य कारण है कि बच्चे का परिवेश चेंज है। हर बच्चे का परिवेश अलग अलग होता है और हमें उस बच्चे को उस परिवेश के अनुसार उन्हें समय देना रहता है। हमारे स्कूल में पर्याप्त उतना समय नहीं मिल पाता है उन बच्चों के लिए। तो मैंने कोशिश किया है कि उन बच्चों की समस्या को समाधान करने के लिए मैं कुछ इस प्रकार आपके समीक्ष लेकर आती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे इसके लिए इनकरेज कीजिएगा कि हाँ चलिए ठीक है, इसको इस तरह आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ते कैसे, ठीक है। हमारे क्लास वन के बच्चे आते हैं वो अल्फ़ाबेट जानते हैं, अल्फ़ाबेट अंग्रेजी में जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं या फिर हिंदी के जो वर्णमाला है वो बच्चे लिखना और कम से कम धीरे धीरे पहचानना जानने लगते हैं। तो जब हम धीरे धीरे वो पहचानना जानने लगते हैं या लिखना जानते हैं तो हम उनका प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाएं, तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए शुरुआत कैसे करें। चलिए देखिए, तो हम शुरू में उनको ब्लैक बोर्ड के बड़े बड़े अक्षरों में इसे किसी भी चीज़ पर जब पढ़ाएं तो उसे ब्लैक बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। अब आप सोचिएगा कि हमारे पास तो ब्लैक बोर्ड है नहीं, तो कोई बात नहीं, आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है तो बच्चों को बड़े बड़े सबसे पहले स्लेट में लिखवाइए या फिर आप कॉपी में उन्हें बड़े बड़े शब्दों में लिखवाइए ताकि वो बच्चे उस शब्दों को पहचानने लगे, आइडेंटिफाई करने लगे। या फिर अगर बुक में इसे ही पढ़वाते हैं, जैसे कि मैंने इस स्टोरी को लिखा तो मैं इस स्टोरी को आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप इस स्टोरी को जैसे मैं पढ़वाऊंगी वैसे ही आप उन बच्चों पर कोशिश कीजिए। इन स्टोरी को सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आप नहीं तो आपके जो बड़े बच्चे हैं उनसे लिखवा लीजिए, और नहीं तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं से लिखवा लीजिए, और नहीं तो आप इसी में धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। मैं जो बोल रही हूँ जैसे बोल रही हूँ तो आप उसे बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों को अल्फ़ाबेट जानते हैं, जब अल्फ़ाबेट जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं अल्फ़ाबेट तो उन्हें आप अल्फ़ाबेट जानते ही होंगे क्योंकि हमारे यहाँ लगभग सारे पेरेंट्स अल्फ़ाबेट तो जानते हैं। अगर कुछ पेरेंट्स नहीं जानते हैं तो वो मेरे द्वारा दिए हुए डायरेक्शन को फॉलो करें तो धीरे धीरे सीख जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मुश्किल से एक दो पेरेंट्स या दो तीन पेरेंट्स ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन वो सब पेरेंट्स अल्फ़ाबेट जानते होंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इस स्टोरी को हम पढ़ें कैसे और बच्चों को समझाएं कैसे, बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट मज़ा कैसे आए। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं उसको मज़ा आएगा नहीं, और मज़ा नहीं आएगा तो बच्चा आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो पहली बात तो हम बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट देना है, ओके। तो देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम बड़े हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी है, एवरीवन इज स्पेशल, लेकिन वैसे जो छोटा बच्चा है क्लास वन में आया है उसके लिए बहुत बड़े शब्द हैं, ये उसके लिए इतने बड़े शब्द हैं, वो इतने बड़े शब्द देख कर ही भाग जाएगा कि वॉय क्यों। तो फिर हमें उसे छोटी छोटी उन्हें सबसे पहले तो अल्फाबेट के अनुसार धीरे धीरे उन्हें तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहिए। ई वी ई आर वाई एवरी ओ ए ई वाई एवरी वाई आई एस इज एस पी ई सी आई ए स्पेशल एवरीवन इज स्पेशल। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो बच्चों को ये पेरेंट्स में परेशानी हो सकती है, कुछ पेरेंट्स में एवरीवन मींस होता है हर एक, मतलब हर बच्चा, एवरीवन मतलब हर एक यानी हर बच्चा, एवरीवन एवरी चाइल्ड मतलब हर बच्चा, इज मींस है, स्पेशल मतलब विशेष खास, जैसे एवरी हर बच्चा विशेष है, हर बच्चा खास है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो इस लेसन का नाम है एवरीवन इज स्पेशल। तो बच्चा जब सुनता है एवरीवन इज स्पेशल, अगर हम कहते हैं रीना इज स्पेशल, राम इज स्पेशल, सोहन इज स्पेशल, मुकेश इज स्पेशल,
जब बच्चा जो क्लास में है उसके बारे में हम जब बोलते हैं तो बच्चे अपने आप में बहुत ज्यादा मजे लेता है, यस आई एम स्पेशल, या मैं आई एम स्पेशल। तो बच्चों को जब घर में भी आप बताएं तो उन्हें बोले कि यू आर स्पेशल, तुम बहुत ही स्पेशल हो, यू आर मोस्ट स्पेशल, यू आर हो, यू आर स्पेशल। चलिए अब आगे देखते हैं कि ना हम जब बच्चा जान गया तो अब वो थोड़ा सा कुछ जानना चाहिए कि व्हाट इज स्पेशल इन में। आगे चलते हैं, चलिए अब यहाँ लिखा है एस ए एन आई ए सानिया, इसका मतलब क्या हो, सानिया, सानिया मीन्स सानिया इज अ नेम, सानिया एक नाम है, किसी का नाम है सानिया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू ए एस बॉस, डब्ल्यू एस वाज, वाज मीन्स था, वी ई आर वाई वेरी, वेरी आर वाई वेरी, एस ए बी सैड, Sanya was very sad. अब इस बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो इसकी पूरी स्टोरी को मत पढ़ाएंगे, एक साथ बच्चा बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा तीन या चार लाइन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जी Sanya was very sad, अब उसको हम थोड़ा थोड़ा करके हिंदी में उसी समय बताते जाएँ तो उनको पढ़ने में रुचि आती है। अब वो जैसे छोटा बच्चा है उसको पता नहीं है Sanya मतलब नाम जान गया सीने का, बट वो नहीं समझा कि क्या, तो उसको हम बताएंगे बाज मीन्स, अब सी सानिया है तो यहाँ बाज मीन्स था या थी, तो थी होगा, वेरी, वेरी मीन्स बहुत, सैड मीन्स दुखी, सानिया बहुत दुखी थी, सानिया वाज वेरी सैड, तो सानिया वाज, सानिया बहुत दुखी थी, ठीक है। तो उसके बाद हम बोलो यहाँ पे चलते हैं एस एच ई सी D I D date, N O T not, W I win win, the D H E the, R U double N I N G running, R A C race। अब हम उनको बताएंगे कि चलो देखो अब Sanya क्या है, Sanya बहुत दुखी थी, तो क्यों दुखी थी भाई बताते हैं उसका रीजन क्या था, तो रीजन ये था कि सी मतलब Sanya, सी मतलब सानिया, सानिया वा डिड नॉट मतलब डिड उसके लिए हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन हम छोटे बच्चे हैं तो ओ इसको बता सकते हैं, ठीक है। नॉट मीन्स नहीं, बीन मीन्स जीती, द रनिंग रेस, रनिंग रेस मतलब जो दौड़ने वाला रेस होता है ना उसको रनिंग रेस बोलते हैं, तो वह दौड़ वह दौड़ने का रेस नहीं जीत पाई थी इसीलिए वह बहुत दुखी थी। चलिए ठीक है नेक्स्ट लाइन, एच आर हैड, एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड, हर फ्रेंड उसकी दोस्त, हर फ्रेंड, जी ए यू आर आई गौरी, जी ए यू आर आई गौरी, डब्ल्यू ए एन बोन, बोन मीन्स जीती, जीती है, टी ए जी द, आर ए आर ए सी रेस, हुज वन द रेस, गौरी वन द रेस, गौरी जो उसकी दोस्त है उसने रेस जीत लिया, दिस इज द रीजन फॉर सानिया सैड थी क्योंकि वो रेस नहीं जीते, तो कौन जीता, तो गौरी जीत, ठीक है ओके। उसके बाद हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि चलो तुम्हारे कौन से दोस्त हैं, तुम्हें कितने रेस जीते हो, रेस जीते हो या नहीं जीते हो, तब बच्चे अपने बारे में बताते हैं और अपने दोस्तों के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे कुछ और आगे चले, ठीक। एस जी सी, सी मीन्स वर, डब्ल्यू एस वॉज, वॉज मीन्स था, A L M O S T, almost, almost means, एक almost लगभग, एकदम जैसे in tears मतलब जैसे वो रोने ही वाली थी, almost मतलब वो जैसे she was almost in tears, वो जैसे ही रोने वाली थी। हम देखते हैं ना कभी कभी बच्चे जब हार जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा रोने को, कुछ बच्चे आंखों में आंसू कर लेते हैं, तो वो जब रोने वाली थी,
S-U-D-D-E-N-L-Y, suddenly. F-A-I-R-Y, Harry. F-A-I-R-Y, Harry. A-W-D-E-A-R-E-D, appeared. D-E-F-O-R-E, before. H-E-R-H-A-R-D, A-M-D, and H-A-I-D, say. ठीक है, तो यहां तक हम आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे आगे करें. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सडनली. सडनली मीन्स एकाएक. फेरी, फेरी मीन्स परी. ओके, फेरी मीन्स क्या हुआ, परी. अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब प्रकट होना. ठीक है, बिफोर है, उसके सामने एक परी प्रकट हुई. ठीक है, तो जब हम इतना बच्चों को सिखाते हैं तो हमें क्यूरियोसिटी आती है कि आगे जाने कि क्या हुआ, परी आई तो क्या बोली, ये सब बच्चों को हम बताएंगे, सिखाएंगे, तो हम जरूर बच्चे इसमें पढ़ने में मजा लेंगे और वो सीखने में भी मजा लेंगे. ठीक है.